नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जांच जारी है। इस बीच उनके बेटे और विधायक जीसान सिद्दीकी अपने पिता की हत्या का दर्द झेलते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देकर अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्यारे को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन्होंने मेरे पिता को चुप करा दिया लेकिन वे भूल जाते हैं कि वह एक शेर थे। मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूँ, उनकी लड़ाई को अपनी रगों में रखता हूँ। वह न्याय के लिए खड़े रहे, बदलाव के लिए लड़े और अटूट साहस के लिए तूफानों का सामना किया। जीशान सिद्दीकी ने आगे लिखा, अब जो लोग उसे नीचे लाए थे यह मानकर वह मुझ पर नजरें गड़ाए हुए हैं कि वे जीत गए हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मेरी रगों में शेर का खून दौड़ता है, मैं अभी भी यहां निडर और अटूट हूं। उन्होंने एक की जान ली लेकिन मैं उनके स्थान पर खड़ा हो गया हूं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं आज वहीं खड़ा हूं जहां वो खड़े थे, जीवित अथक और तैयार थे। मैं हमेशा बांद्रा ईस्ट के लोगों के साथ हूं। इससे पहले भी विधायक जीशान सिद्दीकी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपने पिता के हत्यारे को बुजदिल करार देते हुए अपने गुस्से को जाहिर किया था। उन्होंने लिखा था कि बुजदिल डराया करते हैं, अक्सर दिलेर को धोखे से मार देते हैं, गीदड़ भी शेर को। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि इस मामले में हाल में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने हत्या के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे लेकिन भुगतान को लेकर असहमति और एनसीपी नेता के रसूख को देखते हुए उन्होंने हत्या को अंजाम देने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई के बांद्रा स्थित ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।